प्रयागराज में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी हैं। सभी एक ही बाइक पर सवार थे। टैंकर ने बाइक में टक्कर मारी, इससे उस पर सवार लोग टैंकर के टायर में फंसकर करीब 50 मीटर तक रगड़ते रहे। हादसा इतना भीषण था कि किसी के पैर कट गए तो किसी का हाथ दूर जा गिरा। मरने वाले सभी जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। प्रयागराज के सराय मरेज में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जौनपुर में मीरगंज थाना क्षेत्र के चौकी खुर्द निवासी विकास, उम्र 25 साल, खेती किसानी करता था। वह बुढ़िया के इनारा में हंडिया से बारात गया था। बारात से लौटने के बाद विकास बाइक से सोमवार सुबह करीब 11 बजे वापस लौट रहा था। बाइक पर उसकी माँ सुमरी, उम्र 60 साल, चाची जनता देवी, उम्र 34 साल और उसके 2 बच्चे दीवाना 7 साल और लक्ष्मी 8 माह सवार थे। विकास अभी प्रयागराज में गंगा पार इलाके में रस्तीपुर गांव के पास पहुंचा ही था कि एक तेज़ रफ्तार टैंकर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दिया। बैलेंस बिगड़ने से वह सड़क पर जा गिरा। टैंकर इतनी स्पीड में था कि वह लोगों को रौंदते हुए निकल गया। इस घटना से सभी 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गाँव के लोग जब तक दौड़कर घटनास्थल पर आए तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। लोगों ने टैंकर के ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और एक जगह बैठा लिया। खबर पाकर सराय मरेज पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम करवा रही है। टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के विषय में DCP अभिषेक भारती ने कहा है कि 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। परिवार वालों को सूचना देकर बुलाया गया है। टैंकर को मौके से पकड़ लिया गया है। ड्राइवर हमारी हिरासत में है। विकास के घर वालों को पुलिस ने हादसे की जानकारी दी। इस घटना से लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। गांव वाले भी विकास के घर पर पहुंच रहे हैं। पूरे गांव में मातम पसर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर भेजा है। पीड़ित परिवार की मदद करने का उन्होंने निर्देश भी दिया है। आज दिनांक 24 जून 2024 को थाना सराय मरेज से सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर का एक मोटरसाइकिल के साथ में एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे सवार एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे घटनास्थल पर एक्सपायर हो गए हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से टैंकर बरामद कर लिया गया है और जो टैंकर चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।